तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मीका को अपने पहले ही दिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर से डांट मिलती है, इसलिए वो थोड़ी अपसेट होती है। वहीं इधर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मीका के नाम से हर दिन कॉफी और ब्रेकफास्ट आने लगा था, जो देख डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स को लगता है कि मीका वापस से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आने के लिए डॉक्टर शाह को इम्प्रेस करना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मीका का फ्रेंड चैन उसका सभी से अच्छी तरह से इंट्रो कराता है कि वो यहाँ भी घुल मिल जाए। मीका अपने ट्रांसफर के बारे में कैप्टन सिंह को मैसेज करके बताने जा रही थी, मगर उसे नहीं बताती। दूसरी ओर कैप्टन सिंह को सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाह और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर वे दोनों ही फ्रेंड्स हैं। तो डॉक्टर शाह यहाँ मीका की स्किल्स की बहुत ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं, जिस पर डायरेक्टर वे तो उन्हें बताती हैं कि लगता है मीका आपकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई है, मगर आपको जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी फेवरेट स्टूडेंट ने पहले ही दिन गड़बड़ी कर दी। इस पर डॉक्टर शाह कहते हैं कि चिंता मत करो, वो सब कुछ सीख जाएगी, बस उसे तुम जैसी अच्छी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस मिल जाए। वहीं देर मीका तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मन लगाकर काम करने के लिए स्टडी करने लग जाती है, ताकि अगली बार से वो जल्दी में कोई गड़बड़ ना कर दे। वहीं इधर कैप्टन सिंह भी मीका को मैसेज करने के बारे में सोचता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या मैसेज करे। अगली सुबह मीका एग्जैक्ट 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब भी उसे डायरेक्टर वे से डांट मिलती है, क्योंकि उनका रूल था टाइम से 10 मिनट पहले आने का, जिसे वो मीका से याद रखने के लिए कह देती है। कैप्टन सिंह अपने टीममेट को देखने के लिए हॉस्पिटल वापस आते हैं, जहां आकर उसे मीका के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है। वहीं इधर मीका की तो हालत ही खराब हो गई थी लगातार पेशेंट्स को अटेंड करते हुए, तो वहीं इधर मीका जिन पेशेंट्स को अटेंड कर रही थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यानशान को दे दी जाती है, जिनकी रिपोर्ट देने के लिए वो डॉक्टर शाह के पास आई थी। तभी वो जाने ही लगी थी तो वहीं कैप्टन सिंह आ जाते हैं, जो थोड़े गुस्से में भी लग रहे थे, तो इसके बारे में यानशान मीका को बताने जाती है। वहीं इधर कैप्टन तो डॉक्टर शाह को समझाने लग जाता है कि उस दिन मीका की कोई गलती नहीं थी, फाइट पहले उस पेशेंट की फैमिली ने स्टार्ट किया, इवन उसी ने मीका को धक्का दिया था। वहीं मेरे टीममेट को भी परेशानी हुई थी उसकी वजह से, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने हाथ उठाया, तो इसमें मीका की कोई गलती नहीं थी, फिर उसे अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कैसे करवा दिया। तभी मीका वहां आ जाती है और डॉक्टर शाह से कैप्टन की ओर से माफी मांगती है और बताती है कि कैप्टन ने जैसा कहा ऐसा नहीं है, मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं वहाँ भी अपना बेस्ट काम करूंगी। ये कहकर वो चली जाती है तो उसके पीछे पीछे कैप्टन आता है। कैप्टन मीका से बात करने जाता है, मगर मीका तो कैप्टन से नाराज होती है, क्योंकि उसने बिना बताए डॉक्टर शाह से उसके लिए बात करने गया। इधर मीका मन लगाकर अपना काम करती है, बहुत सारे पेशेंट्स को अटेंड करती है, जिसके बाद रात की 12:30 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती है, तो वो अपने घर वापस जाने के लिए साइकिल बोरो करती है। वहीं हम देखते हैं कैप्टन तो अभी भी मीका के बाहर आने का वेट कर रहा था, फिर कार से ही उसके पीछे पीछे जाने लगा था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब मीका को तो साइकिल चलाते हुए भी नींद आ रही थी, जो देख कैप्टन उसे आवाज लगाता है और उसे कहता है कि हम कोइंसिडेंटली वापस मिल गए, देन अपनी कार से उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। मीका को बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है, मगर वो थोड़ी देर कुछ ज्यादा ही हो जाता है, मगर कैप्टन मीका को नहीं जगाता। तो कुछ देर बाद जब मीका की नींद खुलती है तो वो कैप्टन को सॉरी एंड थैंक यू कहती है, तो कैप्टन कहता है कि तुम्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत कम है, जैसी सिंगल लड़कियों को ऐसे किसी टैक्सी में ऐसे नहीं सोना चाहिए, स्पेशली रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मीका पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं सिंगल हूँ, कैप्टन कहता है कि तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया इसीलिए, और अगर है भी तो उससे ब्रेकअप कर लेना, क्योंकि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। तो मीका भी उसे सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड कोई स्पेशल पुलिस वाला हुआ तो आप ही के जैसे। जैसे कैप्टन तो साइलेंट हो जाता है, तो मीका अपने घर चली जाती है, मगर कैप्टन उसके रूम तक पहुंचने तक बाहर ही रुकता है, तो मीका उसे खिड़की से देखकर स्माइल करती है। अगले दिन मीका जब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जाती है कुछ काम के लिए, तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके नाम से हर रोज कोई कॉफी और ब्रेकफास्ट भिजवा रहा था, और आज भी उसके नाम से ही डिलीवरी आई थी। तो मीका उस डिलीवरी पर्सन के पीछे जाकर उसे रोकती है और उसे पूछती है ये सारी कॉफीज और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने वाला कौन है। डिलीवरी वाले को तो पता नहीं था, क्योंकि मीका के नाम से ही किसी ने ये सब ऑर्डर किया था। तो मीका कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करके पता कर लेती कि ये सब कौन भेज रहा था, और वो था कैप्टन सिंह। तो मीका जब उनसे पूछती कि आखिर वो ये सब क्यों भिजवा रहा है, इस पे कैप्टन बताता है कि उसके टीममेट की केयर करने के लिए ये सब उसके टीम की ओर से था, मगर ये तो बस कैप्टन का बहाना था, ये सब तो वो खुद ही भिजवा रहा था। तो मीका कहती है कि इसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट में हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसीलिए मुझे उन सभी को एक्सप्लेन करना होगा। तो कैप्टन पूछता है कि आज का ब्रेकफास्ट उसे कैसा लगा, इस पे मीका उसे बताती है कि मैंने तो नहीं खाए क्योंकि उसका तो ट्रांसफर हो गया था। जो सुन कैप्टन बिलाए कि यार बेकार में ही मेरे पैसे वेस्ट हो गए। इधर यानशान डॉक्टर शाह को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके लिए खाना लेकर आती है, मगर उन्होंने तो पहले ही लंच कर लिया था, तो यानशान उन्हें अपनी थीसिस चेक करने देती है, मगर उसने जिस बीमारी के ऊपर थीसिस लिखी थी उस बीमारी वाले पेशेंट को उसने कभी देखा ही नहीं था, बस ऑनलाइन रिसर्च करके लिख दिया था, और इसी वजह से डॉक्टर शाह को भी वो थीसिस पसंद नहीं आती। वहीं इधर मीका एक ओल्ड मैन की अंदरूनी चोट के बारे में पता लगाती है, जिसके बारे में उसके फैमिली में से भी किसी को पता नहीं था, जिसका वो इलाज कर देती है। वहीं इधर कैप्टन अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं, देन ड्यूटी खत्म होने के बाद मीका कैप्टन को मैसेज करती है, तो दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। वहीं अगले दिन उस ओल्ड मैन की फैमिली मीका को एज ए थैंक यू बहुत सारे फ्रूट्स भिजवाते हैं। तो मीका की सर्जरी के सक्सेसफुल करने के बाद डायरेक्टर वे भी मीका से खुश हो जाती है, तो वो उसे बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ उसे काफी सारी बातें करती है और ये भी बताती है कि डॉक्टर शाह ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो शायद सच है, क्योंकि डॉक्टर शाह ऐसे ही कभी किसी की तारीफ नहीं करते। तो मीका डॉक्टर शाह के लिए बाहर वेट करती है, जहाँ उनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वो बाहर आ रहे थे
थे। वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए डॉक्टर शाओ मान जाते हैं। वहीं यानशान दूर से ये देखकर जेलस होती है तो मीका डॉक्टर शाओ के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है जहाँ वो उनका शुक्रिया अदा करती है उसे गाइड करने के लिए एंड स्पेशली शाओ मान के केस में हेल्प करने के लिए। तो वहीं पे थोड़ी पढ़ाई भी कर लेती है डॉक्टर शाओ से कुछ सर्जरीज के बारे में पूछकर। वहीं इधर कैप्टन तो मीका के घर के सामने वाले फास्ट फूड कॉर्नर में वेनबो के साथ खाना खा रहे थे मगर उनकी आंखें तो मीका को ही ढूंढ रही थी कि वो कब आए और कैप्टन उसे डिनर पे इनवाइट करे। अब कैप्टन को ऐसे इधर उधर ताका झाकी करता देख वेनबो पूछता कि क्या आप किसी का वेट कर रहे हैं जिस पर कैप्टन तो बहाना मार देता है मगर थोड़ी देर में मीका डॉक्टर शाओ की कार से वहाँ उतरती है। कैप्टन भाग कर उसके लिए छाता लेकर जाता है क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। तो मीका उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे। कैप्टन बताता है कि वो तो यहाँ डिनर करने आया था क्योंकि यहाँ के कबाब बहुत ही फेमस है इसी बहाने वो उसे डिनर पे इन्वाइट करता है। मीका उसे मना करते हुए बताती है कि वो अभी अभी डॉक्टर शाओ के साथ डिनर करके आई है जो अभी उसे कार से छोड़ने आए थे। तो कैप्टन उसे अगली बार डिनर पे इन्वाइट करता है जिसके लिए मीका भी मान जाती है। फिर वो अपने घर चली जाती है मगर कैप्टन तो इस बात से जेलस था कि मीका ने खुद डॉक्टर शाओ को डिनर पे इन्वाइट किया था। अगले दिन वेनबो अपनी मॉम को पिक करने के लिए स्टेशन गया था मगर वहाँ उसे अपनी मॉम कहीं भी नहीं मिलती और उनका फोन भी नहीं लग रहा था जिस वजह से वो बहुत ही परेशान था। मगर थोड़ी देर में उसे रुवान का मैसेज आता है कि उसने उसकी मॉम को पहले ही पिक कर लिया है और वो उन्हें लेकर एक मॉल आई है। वेनबो भागता हुआ मॉल पहुँचता है जहाँ रुवान ने उसकी मॉम के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो मॉम वेनबो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं हमारा वेनबो रुवान से थोड़ा इस वजह से नाराज होता है उसने बिना बताए उसकी मॉम को पिक कर लिया लेकिन रुवान ने तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी बुक किया था जहाँ वो तीनों खाना खाने जा सकते हैं। रुवान तो वेनबो की कंप्लेन भी करती है उसकी मॉम से कि इसे आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि इसने आपके रहने के लिए बहुत ही खराब होटल बुक किया है मगर आप चिंता मत करिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होम स्टे बुक किया है जहाँ आप आराम से कुछ दिन रह सकती है। मॉम तो रुवान से बहुत ज्यादा खुश हुए जा रही थी तो वेनबो उसे साइड में बात करने के लिए बुलाता है जहाँ वो उससे पूछता है आखिर उसे उसकी मॉम के बारे में कैसे पता चला। रुवान बताती की उसके टीम मेंबर से देन बताती की तुम बहुत बिजी रहते हो ना इसीलिए मैंने सोचा की मैं हमारी मॉम को यहाँ ले आऊँ ताकि उन्हें शहर में थोड़ा घुमा फिरा सकूँ। तो वेनबो पूछते कि एक मिनट तुमने कहा हमारी मॉम अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो इसीलिए अब से मेरा पीछा छोड़ो और अपने काम से काम रखो। लेकिन रुवान ने तो वेनबो की मॉम को इम्प्रेस ही कर दिया था जिस वजह से वेनबो को रुवान की बातें माननी ही पड़ती है। तो रुवान अपनी कार से उन्हें होम स्टे तक छोड़ने जाती है जहाँ वेनबो की मॉम तो उसे रुवान की बहुत ज्यादा तारीफें करती है और उसे बताती की उन्हें ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। तो वेनबो ने क्लियरली बता देता है की हम दोनों बस दोस्त है लेकिन मम्मी जी को रुवान इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी की वो तो उसे अपनी बहू ही बनाना चाहती थी मगर वेनबो तो इसके लिए अपनी मॉम से साफ मना कर देता है कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डोमिनियरिंग है और वैसे भी वो बहुत ज्यादा अमीर है तो फिर वो मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के से कैसे शादी कर सकती है। तो मॉम उसे कहती है कि क्या तू अभी तक समझ नहीं पाया कि वो लड़की तुझे पसंद करती है मगर वेनबो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही भोला था। वहीं इधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बच्ची आती है जिसने पेस्टिसाइड्स पी लिया था जो बहुत ज्यादा जहरीला था जिसे ठीक करने के लिए उन्हें पूरे 3000 बॉटल के मेडिसिन चाहिए थे। मीका इस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करती है और सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को काम पे लगा देती है क्योंकि उन्हें उस मेडिसिन के पूरे 3000 बॉटल्स चाहिए थे जिसके लिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से भी मेडिसिन को मंगाना पड़ता है जिन्हें लाने में कैप्टन सिंह और उसकी टीम हेल्प करते हैं। तो इतने सारे मेडिसिन को उस बच्ची में इंजेक्ट करने के बाद आखिरकार उस बच्ची की जान बच जाती है जिससे सारे डॉक्टर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मीका तो खुशी से कैप्टन के गले ही लग जाती है। देन बच्ची के डैड सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कैप्टन सिंह का भी शुक्रिया अदा करते हैं मेडिसिन लाने में उनकी हेल्प करने के लिए। तो ड्यूटी खत्म होने के बाद कैप्टन मीका को उसके घर छोड़ने जाता है क्योंकि उसका अपार्टमेंट हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा दूर था इसीलिए कैप्टन उसे हॉस्पिटल के पास ही एक अपार्टमेंट लेने के लिए कहता है मगर यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा होते हैं और मीका को भी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिलती कि वो यहाँ आकर रह सके इसलिए उसे अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। इसके बाद कैप्टन सिंह की सिस्टर वापस आती है जिसे कैप्टन पिक करने जाता है। वहीं इधर मीका ने इस बच्चे का केस जिस तरह से हैंडल किया उसे डायरेक्टर वे तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो मीका की तारीफ करते हुए वो डॉक्टर शाओ को इस बारे में बताती है। वहीं मीका देखती है कि उस बच्ची के फादर उनकी इकलौती बच्ची को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पैसों का इंतजाम करने की मगर वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ नहीं कर पाते क्योंकि अभी उस बच्ची का मेडिकेशन और भी कुछ दिन चलना था। तो मीका अपनी सेविंग से उस बच्ची के फादर को दे देती है ताकि वो उस बच्ची के मेडिकल बिल्स पे कर सके मगर इस वजह से उसे अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ता है क्योंकि अपार्टमेंट में रहने के लिए एक साल का पेमेंट एक ही बार में करना होता है जितने पैसे अभी उसके पास नहीं बचे थे। तो रुवान उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाती है मगर हमारी मीका किसी के लिए भी बोझ नहीं बनना चाहती थी इसीलिए वो हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में रहने के लिए चली जाती है। वहीं तरह हमें पता चलता है कि डॉक्टर शाओ और कैप्टन सिंह की सिस्टर एक दूसरे को पहले से जानते हैं मगर कैसे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर मीका हॉस्पिटल डॉर्मेट्री में एडजस्टमेंट कर लेती है वहीं उस बच्ची को हेल्दी होता देख बहुत खुश होती है। इधर हमारा वेनबो रुवान को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा था इसलिए रुवान तो उससे मिलने के लिए उनके बेस चली गई थी लेकिन वेनबो तो उसके सामने ही नहीं आ रहा था। वो कैप्टन सिंह से उसके बारे में पूछने जाती है जहाँ बातों ही बातों में वो उसे बता देती है कि मीका को अपने अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा और उसे अभी हॉस्पिटल के डॉर्मेट्री में रहना पड़ रहा है जिसमें ना ही वो किसी का भी हेल्प एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी है सबका हेल्प तो करती है मगर किसी का भी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करती। जब तक उसके पास आखिरी रास्ता ना बच जाए तब तक वो हर चीज अपने दम पर ही करती है जिससे कैप्टन को उसकी फिक्र होती है। और इसी के साथ Part-4 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।